गत संहिता के द्वारका खंड में 18वें अध्याय में सिद्ध आश्रम में ब्रजांगनाओं तथा 16 सहस्त्र रानियों के साथ श्याम सुंदर की रासक्रीड़ा का वर्णन तथा श्री राधा के मुख से वृंदावन की रास की उत्कृष्टता का प्रतिपादन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा और गोपीगणों का उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने रास क्रीड़ा देखने के लिए उत्सुक होकर श्री हरि से कहा। पटरानियां बोली, श्याम सुंदर, तुम में प्रेम लक्षणा भक्ति रखने वाली गोप सुंदरियां धन्य हैं, जो रास रंग में सम्मिलित हुई थी। इन सब के तप का क्या वर्णन हो सकता है। माधव प्रभु, यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, वृंदा में तुमने जिस विधि से रास रचाया था उस विधि को हम देखना चाहती हैं। तुम यही हो, श्री राधा यही विराजमान रही हैं, संपूर्ण गोप सुंदरियां तथा ब्रजांगनाएं भी यही हैं और हम सब भी यही हैं। अतः देवेश्वर, यहाँ रास का आयोजन सर्था उचित होगा। जगन्नाथ, तुम हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करो। मनोहर, प्राण वल्लभ, हमने दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया है, केवल रास क्रीड़ा का दर्शन कराओ। रानियों की ये बात सुनकर भगवान जी हंसने लगे। उन्हें प्रेम पूरित होकर उन सबको अपने वचनों द्वारा मोहित से करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, अंगनाओ, रासेश्वरी श्री राधा के मन में भी रास क्रीड़ा की इच्छा हो तो यह रास हो सकता है। अतः तुम ही सब जाकर उनसे पूछो। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने श्री राधा के पास जाकर हंसते हुए मुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा। श्री रानियां बोली, रंभोरु चंद्रवदने ब्रज सुंदरियों की स्वामिनी राशेश्वरी प्रियतमे सखी शील रूपिणी रास में कीर्ति रानी के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली शुभांगी, हम सब तुम्हारी सखियां तुमसे एक बात पूछने आई हैं। रास में रस प्रदान करने वाले राशेश्वर यही हैं और रास की अधीश्वरी तुम भी यही हो और अन्य समस्त गोप सुंदरियां भी यही हैं। इसी प्रकार हम सब भी यही हैं। अतः सब प्रकार से रस का आस्वादन करने के लिए तुम यहाँ रास का आयोजन करो। प्रीत में ऐसा हो तो ये हमारे लिए अत्यंत प्रिय होगा। श्री राधा ने कहा, सत्पुरुषों पर कृपा करने वाले परम रासेश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रास की डाकी अभिलाषा हो तो यहाँ रास हो सकता है। अतः मेरी प्रीतमा सखियो, तुम सब परम सेवा श्रुवा और पराभक्ति से उनकी पूजा करके उन्हें वश में कर लो। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर रानियों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात बताई। तब महामना श्री राधा तथास्तु कहकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को उस शुभ एवं पुण्य तीर्थ सिद्ध आश्रम में जब रात्रि का प्रथम पहर प्राप्त हुआ और चंद्रमा की चांदनी सब पर फैल गई, तब रास क्रीड़ा का आरंभ हुआ। राशेश्वर के रास का आनंद प्राप्त करने के लिए राशेश्वरी श्री राधा तैयार होगी और उनके साथ रसिक शेखर श्याम सुंदर रास थली में उसी तरह शोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति मदन। जितनी संपूर्ण गोप सुंदरियां और जितनी राजकन्याएं वहां उपस्थित थी, उतने ही रूप धारण करके दो दो सुंदरियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। ताल वेणु और मृदंगों की ध्वनि के साथ मधुर कंठ वाली सखियों के गीत और उनके नपोर कांची आदि आभूषणों की मधुर झनकार का मिला हुआ महान शब्द वहां सब और गूंज उठा। राजन, करोड़ों कामदेवों के लावण्य को लज्जित करने वाले वनमालाधारी कुंडल मंडित एवं क्रीट वले और भुजवंदों के अलंकृत पिताम्बरधारी श्याम सुंदर राशेश्वर रास में स्वयं राशेश्वरी के साथ गीत गाने लगे। जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पाता है, उसी प्रकार राशेश्वर श्री कृष्ण उन सुंदरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार वह महाआनंदमय संपूर्ण शुभ निशा रास मंडल में एक क्षण के समान व्यतीत हो गई।
श्री रास मंडल की शोभा देखकर रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियां परम आनंद को प्राप्त हुई। उन सब का मनोरथ पूर्ण हो गया। रास की समाप्ति होने पर रुक्मिणी आदि रानियों ने प्रेम परवश होकर साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से कहा। रानियां कहने लगी, प्रभु मनोहर रास रंग में आपकी रूप माधुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्म आनंद में निमग्न हो गया जैसे ज्ञानी मुनि ब्रह्म आनंद में डूब जाते हैं। ऐसा रास दूसरा ना हुआ होगा ना होगा। माधव, यहां गोपांगनाओं के 100 यूथ विद्यमान हैं। सखियों सहित हम 16,000 आपकी पत्नियां भी इसमें सम्मिलित रही हैं। करोड़ों सखियों के साथ 8 पटरानियां भी यहां पर उपस्थित हैं। माधवीश्वर, ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार अभिमान प्रकट करने वाली रानियों की बात सुनकर श्याम सुंदर श्री हरि हंसने लगे और बोले, यहां का रास सर्वोत्कृष्ट है या वृंदावन का, ये तुम श्री राधा से ही पूछो। तब सत्यभामा आदि सब रानियों ने मनोहारिणी श्री राधा से इसके विषय में पूछा। श्री राधा मन ही मन कुछ हंसती हुई ये उत्तम बात बोली। श्री राधा ने कहा, सखियो बहुत सी सुंदरियों से भरा हुआ यहाँ का रास भी बहुत अच्छा रहा है, परंतु पहले पहल वृंदावन वन में जो रास हुआ था उसके समान ये कदापि नहीं था। यहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से व्याप्त, प्रेम के भार से झुकी हुई लता वल्दियों से विलसित और मधुमत मधुपों से शोभित वृंदावन कहाँ है। पुष्प समूहों को बहाती हुई फूलों के छाप से अलंकृत श्याम पट की भांति शोभा पाने वाली हंसों और पद्म वनों से व्याप्त जमुना नदी यहाँ कहाँ है। फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लताएं यहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। प्रेम परवश पक्षी कहाँ मधुर स्वरों में गान कर रहे हैं। चंचल भ्रमर पुंजों से युक्त कुंज और दिव्य मंदिरों से मंडित निकुंज यहाँ कहाँ सुलभ हैं। कमलों के प्राग को लेकर शीतल मंद सुगंध वायु यहाँ कहाँ बह रही है। ऊंचे ऊंचे मनोहर शिखरों से शोभित, सर्वत्र फल फूलों से संपन्न तथा सुंदर कंदराओं से अलंकृत महाकाय गजराज की भांति शोभा पाने वाला गिरिराज गोवर्धन यहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है। जहाँ वायु ने कोमल बालू का संचय कर रखा है, जमुना के उस रमणीय पुलिन पर वंशी और बैंत की छड़ी धारण की है, मल अथवा नटवर के वेश में विराजित श्याम सुंदर की झांकी यहाँ कहाँ मिल रही है। इस स्थान पर श्री कृष्ण के लिए वनमाला से विभूषित श्रृंगार कहाँ उपलब्ध है। श्याम सुंदर की काली घुंघराली और सुगंध युक्त अलकावलियों का दर्शन यहाँ कहाँ होता है। श्री कृष्ण के स्निग्ध कपोलों से मनोहर मुख पर दोनों ओर कुंडलों को हिलना डुलना कहाँ दिखता है। उनके मुख पर पत्र रचना कहाँ की गई है। कहाँ सुगंध के लोभ से भ्रमर वलियाँ टूटी पड़ती हैं। कहाँ वे प्रेमपूर्ण निरीक्षण स्पर्श और हर्ष उल्लास यहाँ सुलभ हुआ है। कामदेव के तीखे बाणों को तिरस्कृत करने वाले नेत्र कोणों से निहारने पर जो कटाक्षपात जनित रस प्रकट होता है वह यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़कर खींचना, हाथ से हाथ छुड़ाना, निकुंज में छिपना, सामने होने पर भी दिखाई नहीं देना आदि लीलाएं यहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। यहाँ चीर उठाकर अथवा वंशी और बैत को चुरा लेना कहाँ संभव हुआ है। प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परम परस्पर खींचकर हृदय से लगाना, बार बार एक दूसरे को पकड़ना, श्याम सुंदर की बाहों का चंदन का लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ संभव हुई हुई हैं। जहां जहां की जो लीला है वही वही वह शोभा पाती है। जहां वृंदावन नहीं है वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। तो नारद जी कहते हैं, श्री राधा की यह बात सुनकर सारी पटरानियों ने अपने राज संबंधी अभिमान को त्याग दिया। वे हर्षित और विस्मित हो गई। इस प्रकार राधिका वल्लभ श्री कृष्ण सिद्ध आश्रम में रास की लीला संपन्न करके समस्त गोपियों को साथ लेकर श्री राधा और अपनी रानियों सहित द्वारका में प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्री राधा के लिए बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए, उन समस्त ब्रजांगनाओं के रहने के लिए भी सुखपूर्वक व्यवस्था की।
नरेश्वर, इस प्रकार मैंने सिद्ध आश्रम की कथा तुम्हें सुनाई है, जो समस्त पापों को हर लेने वाली, पुण्य में और सबको मोक्ष देने वाली है। गर्ज संहिता के द्वारका खंड में 19वें अध्याय में लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्ण कुंड, बलभद्र सरोवर, दान तीर्थ, गणपति तीर्थ और माया तीर्थ आदि का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारावती मंडल 100 योजन विस्तृत है, उसकी पूरी परिक्रमा 400 योजन की है। उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग 12 योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग 90 कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओं के लिए दुर्लंघ है। राजन, तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों में संगठित हुआ है, जिसमें रत्न में प्रसादों का निर्माण हुआ था। इसके अंतर दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के 900,000 विचित्र मंदिर हैं। वहां राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है, जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया है। राजन, उसका गोलोक से आगमन हुआ है, उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्रचित होकर अष्टमी तिथि को विधिवत शरण का दान दें, तीर्थ को नमस्कार करें तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गोलोक से एक विशाल विमान आता है, जो सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी होता है। वे मनुष्य 10 कामदेवों के समान लावण्यशाली, रत्न में कुंडलों से मंडित, वनमालाधारी, पीताम्बर से आच्छादित, श्याम कांतिमान, शस्त्रों सूर्यों के समान, दीप्तिमान, शस्त्रों पार्श्वों से सेवित, दिव्य रूप धारण कर लेता है। उसके दोनों ओर चवट ढुलाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है, वेणु ध्वनि के साथ धुंधवियों का गंभीर नाद होता रहता है। इस अवस्था में वह उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। महामते राजन, अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो। वहां 16,108 तीर्थ हैं और वहां श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन हैं। उन सब की बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है, उसे तत्काल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय से भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्न चित्त होकर वास करते हैं। समूची सिद्धियां और समृद्धियां स्वभावता उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो श्री हरि के मंदिर का दर्शन करता है, वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। भगवान जी के मंदिर का विस्तार 5 योजन है। वहां से 100 धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है। जब भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है, उसी कुंड में स्नान करके जामवती नंदन शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। मैथिल, वहां से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम, पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है। महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जहां यज्ञ किया, वहीं उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। राजन, भगवान जी के मंदिर से सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है। राजन, अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए, तब रुक्मिणी ने जहां गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था, वही गणनाथ तीर्थ है। वहां स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। भगवान जी के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगल में दान तीर्थ है। मां श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है, वह उत्तम पुण्य का भागी होता है। विधेयराज, उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी पट्टांबर दान करता है तथा शस्त्रों, मोहर और नवरत्नों का दान करता है, उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो।
सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 रासु यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16 कला के बराबर नहीं हो सकते। भद्र का आश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के द्वेष राशि पर रहते समय सैंधव अरण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य के वृष राशि में रहते समय उत्पलाव्रत तीर्थ की यात्रा से स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। परंतु विधेयराज, दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में एक मास तक स्नान करता है, उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान चित्र गुप्त भी नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान, रथदान से बढ़कर भूमिदान और भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान का बताया जाता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है ना होगा, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतों की भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है। जो महामनस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। राजेंद्र, मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का वे मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ के दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए वनमाला और पीताम्बर से अलंकित होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, भगवान जी के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंड मुंड का विनाश करने वाली दुर्गति नाशिनी सिंह वाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती है। भगवान श्री कृष्ण सेमंतक मणि ले आने के लिए जब वृक्षराज जामवान की गुफा में गए थे, तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा इन्हीं दुर्गा देवी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जामवती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है, जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। घर संहिता के द्वारका खंड के 20वें अध्याय में इंद्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, सूर्यकुंड, नीलोहित तीर्थ और सप्त सामुद्रिक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, दित्य दुर्ग के भी पूर्व द्वार पर परम पुण्य में इंद्रतीर्थ है, जो अभीष्ट भोगों का देने वाला तथा सिद्धिदायक है। राजन, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को जाता है और इस लोक में भी चंद्रमा के समान उज्जवल वैभव प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्यकुंड नामक तीर्थ बताया जाता है, जहाँ सत्राजित ने सेमंतक की पूजा की थी। नृपेश्वर, वहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद्म राग मणि का दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान के द्वारा सूर्यलोक को जाता है। इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्म तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है। राजन, जब बुद्धिमान मानव वहाँ स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है, तो उसके पुण्यफल का वर्णन सुनो। वह ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोहत्यारा, मातृहत्यारा और आचार्य का वध करने वाला पापी भी क्यों ना हो, इंद्रलोक में पैर रखकर ब्रह्म में शीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्जवल विमान द्वारा ब्रह्म धाम को जाता है। इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नील लोहित का क्षेत्र है, जहाँ साक्षात नील लोहित महादेव विराजते हैं। विधेयराज, उस तीर्थ में समस्त देवता, मुनि, सप्तऋषि तथा संपूर्ण मरुदगण निवास करते हैं। उसी तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक नील लोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोक रावण रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नरेश्वर, कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है, उससे 100 गुना पुण्य भगवान नील लोहित के दर्श से होता है। जो मनुष्य नील लोहित कुंड में 3 दिनों का स्नान करता है, वह सहस्त्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है, जहाँ सप्त सामुद्रक अथवा सप्त सागर तीर्थ सुशोभित हैं। वहाँ उस तीर्थ में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूह से छुटकारा पा जाता है।
तथा सात समुद्रों में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है। मुनिजेश्वर, उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं। नरेश्वर, ब्रह्मांड में जो कोई 7 करोड़ तीर्थ हैं, वे सब उस सप्त सामुद्रिक तीर्थ में वास करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा करता है, वे द्वारका यात्रा का सारा फल पा लेता है। सप्त सामुद्रिक तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारका यात्रा फलवती नहीं होती। देवताओं ने सप्त सामुद्रिक तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है। गर संहिता के द्वारका खंड के 21वें अध्याय में तृतीय दुर्ग के द्वार, देवताओं के दर्शन और पूजन की महिमा तथा पिंडारक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तृतीय दुर्ग के पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी आहिर्निश पहरा देते हैं। जो मनुष्य वहां महाबली भगवत भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लेता है, वे हनुमान जी की भांति महान भगवत भक्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार के सुदर्शन चक्र दिन रात रक्षा करता है। राजन, उस सुदर्शन का चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। उनके दर्शन मात्र से मानव श्री हरि का उत्तम भक्त होता है। सुदर्शन चक्र उस भक्त की भी सदा रक्षा किया करते हैं। इसी तरह पश्चिम द्वार के बलवान वृक्षराज जामवान रक्षा करते हैं। राजन, वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं। उन महाबली भगवत भक्त जामवान का दर्शन करके मनुष्य इस लोक में चिरंजीवी तथा श्री हरि का भक्त होता है। इस प्रकार महाबली विषयक सेन उत्तर द्वार की अहिर्निश रक्षा करते हैं। राजन, वे श्री कृष्ण के विशाल हृदय हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। दुर्ग से बाहर पिंडारक तीर्थ है, उसकी महिमा सुनो। राज शिरोमणि, पिंडारक तीर्थ का महात्म्य ध्यान देकर सुनो, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाता है। रैवेतक पर्वत और समुद्र के बीच में पिंडारक क्षेत्र है, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ और अर्थ सिद्धि का द्वार रूप है। विधेयराज, उसी तीर्थ में महाबली यदुराज ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञों के राजा राजसूय का अनुष्ठान किया था। राजा उग्रसेन के उस उत्तम यज्ञ में समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया था और वे सब ओर से आकर उसमें निवास करने लगे। संपूर्ण तीर्थों के पिंडीभूत होने से उस तीर्थ का नाम पिंडारक हुआ। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। वहीं 3 दिन तक स्नान करके व्रत का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर जो ब्राह्मणों को स्वर्णदान देकर उनके चरणों में प्रणत होता है, वे महात्मा यही नर देव होता है। इसमें संशय नहीं है। वे प्रतिदिन वंदी जनों के द्वारा अपना यशोगान सुनता है। स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्र आदि से संपन्न होता है। चंद्रमुखी ललनाओं के समुदाय उसकी सेवा में रहते हैं। वे नित्य रिष्ट पुष्ट और महाबलवान होता है। उसके दरवाजे पर दिन रात धन गर्जन के समान धुंधवियाँ बजती रहती हैं। वह देखता है कि उसके बाहरी और भीतरी आंगन में गजराज चिंघाटते और घोड़े हिनहिनाते रहते हैं तथा नरेशों की भीड़ लगी रहती है और उनके रत्न में महलों पर अनेका अनेक ध्वज फहराते रहते हैं। मतवाले हाथियों के कानों से प्रताड़ित भ्रमर मंडली उनके सामंत नरेशों द्वारा मंडित द्वार की शोभा बढ़ाती है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना इस लोक में किसी को राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है? और पापात्मा मनुष्य भी उस तीर्थ में स्नान किए बिना जीवन के अंत में मोक्ष कैसे पा सकता है? पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना कर्म, धर्म और वरम अर्थात रक्षा कवच नहीं प्राप्त हो सकते। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना मनुष्य वियोग का दुख झेलता है। उसमें स्नान करने वाला मानव उस दुख से दूर रहता है अथवा विशिष्ट योगी होता है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुण्यात्मा मनुष्य उत्तम भोगों से संपन्न होता है। रोग उसे छू नहीं सकते। विदेहराज, जो वैशाख मास में द्वारावती की परिक्रमा करके
उसको नमस्कार करता है, उसके हाथ में इस लोक और परलोक की सारी सिद्धियां आ जाती हैं। जो चैत्र की पूर्णमासी से लेकर वैशाख की पूर्णमासी तक द्वारका की यात्रा करता है और प्रतिदिन तीर्थ स्नान, भूमिशयन, शौचाचार, मौन व्रत एवं नवन भोजन के नियम में रहता है, उसको मिलने वाले पुण्य की संख्या बताने में वेद में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। जो कदाचित वर्षा की धाराओं को गिन ले, वह भी श्री कृष्णपुरी की यात्रा से होने वाले पुण्य की परिगणना नहीं कर सकता। जैसे तिथियों में एकादशी, सर्पों में नागराज शेष, पक्षियों में गरुड़, इतिहास पुराणों में महाभारत, और जैसे देवताओं में देवादि देव, यदुदेव देव, वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण पुरी और क्षेत्रों में पुण्यवती द्वारावती प्रशस्त है। आहो, भूतल पर वैकुंठ लीला की अधिकारिणी मनोहरा कुशस्थली द्वारकापुरी यदु मंडली से उसी प्रकार शोभित होती है जैसे विंध्यन मालाओं से आकाश में मेघमाला की शोभा होती है। ये पुरी धन्य है जिस पुरी में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराज रहे हैं, जिन्होंने उग्रसेन को राज अधिराज पद दे रखा है। उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है। विदेहराज, जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे उस समय उस दिव्य पुरी को समुद्र डुबा देगा, केवल श्री हरि का दिव्य मंदिर अवशिष्ट रहेगा, उसी में भगवान सदा निवास करेंगे। कालयुग में वहां रहने वाले लोग प्रतिदिन निरंतर सागर की जल ध्वनि से श्री कृष्ण की कही हुई ये बात सुना करते हैं। ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, वह मेरा ही शरीर है। जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल में जाकर वहां से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा और उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनाएगा, वह साक्षात सूर्य है। नरदेव, कालयुग में जो भक्तजन श्री द्वारका नाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं वे योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, ये मैंने श्री कृष्णपुरी के महात्म का तुमसे वर्णन किया है, जो भक्ति भाव से इसे सुनता और सुनाता है वे द्वारकापुरी में निवास का फल पाता है। गर्ग संहिता के द्वारका खंड में 22वें अध्याय में सुदामा ब्राह्मण का उपाख्यान। श्री नारद जी कहते हैं, सुदामा नामक श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण सखा थे। वे अपनी पत्नी सत्या के साथ अपने नगर में रहते थे। सुदामा वेद वेदांग के पारंगत थे परंतु धनहीन थे वैराग्यवान। वे अपनी अनुकूल पत्नी के साथ आयचित वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। सुदामा ने एक दिन दरिद्रता से उत्पीड़ित दुखनी अपनी पत्नी से कहा, पतिव्रते, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। सांदीपनी गुरु के घर में मैंने उनके साथ विद्या अध्ययन किया है, परंतु श्री कृष्ण के भोज वृषणी और अंधकों के अधीश्वर होने के बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ है। वे त्रिलोकी के नाथ भगवान दुखहारी और दीन वत्सल हैं। पति के वचन सुनकर पतिव्रता सत्या ने, जिसका कंठ सूख रहा था, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, भूख से अत्यंत पीड़ित थी, पति देव से कहा, ब्राह्मण, जब साक्षात श्रीपति हरि आपके सखा हैं तब हम लोग फटे चीथड़े पहने और भूखे क्यों रहें? लोग द्वारका जाकर साक्षात कमलापति के दर्शन करते हैं और धनवान होकर घर लौटते हैं, अतः आप भी वहां जाइए। तो सुदामा ने कहा, मैं सबको सिखाया करता हूं और आज तुम मुझी को सिखा रही हो। प्रिय, तुम एक विद्वान ब्राह्मण को मांगकर धन प्राप्त करने का उपदेश दे रही हो। तो सत्या ने कहा, आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं और यहां से बहुत दूर भी नहीं है, अतः आप उनके पास जाइए, वे आपके दुख दरिद्र का नाश कर देंगे। दुख दरिद्रता भोगते भोगते हमारी उम्र बीत चली। सामिन, ऐसे कृपा निधि दाता की मित्रता का क्या यही फल है? तो सुदामा ने कहा, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वह होगा ही। भद्रे, जाने आने में क्या होता है,
घर में रहकर श्री हरि का ध्यान करना ठीक है। जिनके दरवाजे में राजा, देवता, गंधर्व और किन्नर भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वहां मुझ श्रीखे दीन को कौन पूछेगा। तो सत्या बोली, ये सत्य है कि उनकी आज्ञा के बिना देवता, गंधर्व और किन्नर अंदर नहीं जा सकते, परंतु साक्षात हरि तो अंतर्यामी हैं, वे अपना दूत भेजकर आपको अंदर बुला लेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, भावनी मेरी बात सुनो, श्री कृष्ण अवश्य ऐसे दयालु हैं, परंतु विपत्ति के समय धनवान मित्र के घर जाना उचित नहीं है, विशेषतः बहुत दिनों के बाद उन अंतरंग प्रेमस्पद को देखकर मैं उनसे क्या याचना करूंगा। लोभ से रहित होने पर ही प्रेम हुआ करता है, मांगने पर प्रेम नहीं रहा करता। तो सत्या बोली, आप दुख दरिद्र का नाश करने वाले श्री कृष्ण के दर्शन करें, मांगना नहीं होगा, वे अपने आप ही प्रचुर संपत्ति दे देंगे। सुदामा ने पत्नी के द्वारा बहुत तरह से समझाए बुझाए जाने पर यह विचार किया, इस निमित्त से मित्र के दर्शन का परम लाभ तो हो ही जाएगा, परंतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा, दरिद्रता के कारण कुछ देने को मेरे पास कुछ है नहीं, इससे लज्जित हो रहा हूँ। तो पति के मुख से ये बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से 4 मुट्ठी तंदुल अर्थात चिवड़े मांग लाई और एक पुराने चीथड़े में बांधकर उन्हें पति को दे दिया। तदंतर सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचैले दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मन ही मन ब्रह्मण्य देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण के नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण ने नौका से समुद्र पार करके स्वर्ण में विचित्र द्वारकापुरी के दर्शन किए। उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थी, कतार की कतार सभा भवन और भांति भांति के दुर्ग शोभित थे, बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसमें 4 सड़कें थीं। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की पुरी को देखकर लोगों से पूछा, श्री कृष्ण का भवन कौन सा है ये बताइए। इस बात को सुनकर माधव की द्वारकापुरी के रक्षकों ने कहा, सभी भवनों में श्री कृष्ण हैं। ये सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। उन्हें देखकर सुदामा को ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हुई। माधव ने सखा सुदामा को आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने बाहुपाश में बांधकर हृदय से लगा लिया और वे आनंद के आंसू बहाने लगी। तंत्र स्वर्ण पात्रों में भरे जल के द्वारा उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बिठा लिया। फिर गंध, चंदन, अग्रो, कुमकुम, धूप, दीप, मधुपर, पके अन्न के द्वारा उनकी पूजा की। पश्चात पान का बीड़ा देकर गौदान किया और मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके बालों वाले ब्राह्मण से पधारने का कारण पूछा। मित्रविंदा जी मुस्कुराती हुई पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगी। श्री कृष्ण की पटरानियां सब विस्मित होकर हंसने लगी और ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर कहने लगी, इस भिखारी ने कौन सी तपस्या की है जिससे स्वयं त्रिलोकी नाथ बड़े भाई की तरह इनका सत्कार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए प्राणी गुरु के घर की बातें करने लगे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण सुनो, हम दोनों ने वहां सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरु दक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। सखे तुम कहाँ रहते हो बताओ, तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु पत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थीगण लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहां जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया, सब जगह जल ही जल हो रहा था, जमीन कहीं दिखाई नहीं देती थी। हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे। फिर सूर्योदय होने पर महामना गुरु संदीपनी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन दिया। गुरु जी की आंखें आंसू बहा रही थी,
उन्होंने हम सब को जल से निकाल कर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो तुम। प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा है, तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी, इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोगों को दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुम लोगों को सब अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, वेद और प्राण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठस्थ हो जाएंगे। मित्र, गुरु जी की इस कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं। तो सुदामा जी ने कहा, तुम देव देव हो, सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो। तुम श्रीपति हो, तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडंबना है। राजन, ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को वे चिवड़े नहीं दिए, वे मुंह नीचे किए बैठे रहे। सर्वात्मा भगवान उनके आने के कारण जान गए, ये ब्राह्मण धन के इच्छुक नहीं हैं, मुक्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं। इनकी दुखनी पतिव्रता पत्नी ही धन की अभिलाषा रखती है, पर इन अदाता दंपति को मैं धन दूं कैसे। यो सोचते सोचते श्री हरि ने जान लिया कि मेरे लिए कुछ चिवड़ा लाए हैं, पर लज्जा के मारे दे नहीं पा रहे हैं, अतः मैं ही मांग लूंगा। यो विचार करके श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर में मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। प्रेम का दान अनुमात्र होने पर भी महान होता है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है, भक्त के द्वारा दिए हुए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ। भगवान जी ने यह कहकर अदाता उस सुदामा ब्राह्मण के चिथड़े को पकड़कर ये क्या है यूं कहते हुए स्वयं चिवड़ों को ले लिया और बोले, सखे, ये तो तुम मेरे लिए परम प्रीतिकर वस्तु लाए हो। ब्राह्मण, इन तंत्रों से मुझे विश्व रूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। मैं गोकुल में ऐसे श्रेष्ठ चिवड़े खाया करता था, यशोदा दिया करती थी, परंतु इसके बाद आज तक मुझे ये देखने को भी नहीं मिले। इतना कहकर श्री हरि ने एक मुट्ठी चिवड़े चबाकर सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी और दूसरी मुट्ठी खाकर ज्यों ही पाताल की संपत्ति देने को तैयार हुए, वक्षस्थल निवासनी लक्ष्मी देवी ने उसी क्षण हाथ पकड़कर कहा, नाथ, बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण, आपने जो कुछ दिया है वही पर्याप्त है, उसी से ये ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएंगे। इधर ब्राह्मण को इस दान का कुछ पता नहीं लगा, भगवान जी की माया ने सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया। सुदामा जी ने एक रात वहां सुखपूर्वक रहकर भोजन पान आदि करके दूसरे दिन श्री कृष्ण को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान जी ने अनुमति देकर वंदन और आलिंगन किया। ब्राह्मण लज्जावश कुछ भी नहीं मांगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे, दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण ने मुझे अपने दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। मेरे श्री के दरिद्र ब्राह्मण को पर्यंक पर बिठाकर भाई के समान आदर दिया। रुक्मिणी सत्यभामा ने व्यंजन के द्वारा मेरी सेवा की। मैं निर्धन धन पाकर रमापति भगवान को भूल ना जाऊं, इसी से करुणावश उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैं घर जाकर कह दूंगा, ये लो कोटि कोटि धन राशि ग्रहण करो। श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देव हैं, दाता हैं, पर तुम्हारे लिए तो कृपा नहीं रहे। दूसरे के घर को रत्नों से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ललाट में जो कुछ विधि ने लिखा है उससे अन्यथा नहीं होता। मन ही मन यो कहते हुए सुदामा जी अपनी पुरी में आ पहुंचे। पुरी को देखकर वे चकित हो गए। बड़े बड़े दरवाजे, ध्वजाओं से शोभित सोने के किले और महल खड़े हैं। विचित्र तोरण और कलशों से वे शोभित हैं। नगरी सज्जनों से भरी और उसमें इतने रत्न हैं कि दूसरी द्वारकापुरी की इसी शोभा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, ये क्या है, ये किसका स्थान है। वे रास्ते चलते रहे। नगर के नर नारियों ने उन्हें साथ ले चलना चाहा, पर वे गए नहीं।
ये देखकर दास दासियों ने अपनी स्वामिनी सुदामा की पत्नी के पास जाकर सुदामा जी के आने की बात कही। उनको बड़ा आनंद हुआ और वे साक्षात लक्ष्मी रूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति के स्वागत के लिए शिविका पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकली। सुदामा इधर उधर घूम रहे थे, पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया। सुदामा जी स्वर्ण रत्न आदि से भूषित प्रभा और रूप से संपन्न विमान वासनी दूसरी लक्ष्मी की तरह अपनी तरनी भार्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें समझा ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। भोजन की सामग्री रत्न ऐश्वर्य पर्यंक व्यंजन आसन चंदोवे स्वर्ण पात्र और तोरण आदि से सज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया। उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी तरुण हो गए, पर विषयों में श्रद्धा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतु के अनायास प्राप्त इस समृद्धि का उपभोग करने लगे। वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस संपत्ति को त्यागने का विचार करके मन ही मन सोचने लगे, मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आई? ये देव दुर्लभ संपत्ति ब्रह्मण्य देव श्री कृष्ण की ही दी हुई है। इतनी संपत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मेरे चिवड़ों के दानों को मुट्ठी में लेकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सांख्य और दास्य प्राप्त हो, मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा। सुदामा ने मन ही मन इस प्रकार का निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपना मन लगा दिया और सारा धन ब्राह्मणों को बांटकर भगवान जी के धाम में चले गए। जो मनुष्य इस श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है वह दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भगवत भक्त हो जाता है। रेश्वर, तुम्हारे सामने इस पुण्य में द्वारका खंड का वर्णन किया गया। जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं उन्हें उत्तम कीर्ति कुल अतिशय मुक्ति भक्ति और राज्य प्राप्त होता है। द्वारका खंड संपूर्ण। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। गर्थ संहिता विश्वजीत खंड पहला अध्याय राजा मरद का उपाख्यान। नमो नमस्ते तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अर्थात सबके हृदय में वास करने वाले सर्वसाक्षी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध चतुर्व्यूह स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी के रोग से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान अंजन की शिलाका से मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है उन गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। श्री गर्ग जी ने कहा, मुने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, जो मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो शौनक जी ने कहा, तपोधन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त तथा श्री हरि में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले मैथिली राज बहुलाश्व ने फिर देवऋषि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझे सुनाइए। तो श्री गर्ग जी बोले, मुने भगवान श्री कृष्ण ने मरुत के अवतार उग्रसेन को यादों का राजा बनाया। ये सुनकर मिथिला नरेश बहुलाश्य को बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें नारद जी से प्रश्न किया। बहुलाश्य बोले, देव ऋषि ये मरुत कौन थे? ये किस पुण्य से भूतल पर यदुवंश के राजा उग्रसेन हो गए, जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी सहायक हुए? उनकी महिमा अद्भुत है, देव ऋषि शिरोमणि उनकी महत्ता क्या थी, ये मुझे बताइए। तो श्री नारद जी ने कहा, राजन सत्य युग में सूर्यवंशी राजा मरुत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने विधिपूर्वक विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वे हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनि श्री संवर्त को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। 1 योजन का तो ब्रह्म कुंड था और 2-2 कोस के 5 कुंड और बने थे। कुंड के गर्त का जो विस्तार था तदनुसार वेदियों से 10 मेखलाएं बनी थी।
उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था उसकी ऊंचाई 1000 हाथ की थी। वे महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था जिसका विस्तार 20 योजन था। चंदों, वंदनवारों और कदरी खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीष्टी, 5 लाख अद्रव्यु और धाता अलग थे। वहाँ चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे जो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता थे। और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे। उस यज्ञ में हाथी की सूंड के समान घी की मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया था। मित्रेश्वर, उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं जानो। उस यज्ञ में विश्व देवगण सभासद थे। वे जिन जिन के लिए भाग देना आवश्यक बताते थे उन उनके लिए भाग का परिवेशन अर्थात परोसने का कार्य स्वयं मरुदगण करते थे। उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोमरस पीते पीते अजीर्ण हो गया था। यजमान राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्त को जम्बूद्वीप का राज्य दे दिया जिसके सिवा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार स्वर्ण, 100 अरबी घोड़े और 109 करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञांत में महात्मा आचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5,000 घोड़े, 100 हाथी और 100 भार स्वर्ण प्रदान किया। जल पात्र और भोजन पात्र सब स्वर्ण के बने हुए थे जो अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देते थे। उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए। ब्राह्मणों के फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्ण पात्रों से हिमालय के पार्श्व में 100 योजन का स्वर्ण में पर्वत बन गया था जो आज भी देखा जा सकता है। राजा मरुत का जैसा यज्ञ हुआ वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ। राजेंद्र सुनो, त्रिलोकी में वैसा यज्ञ ना हुआ है ना होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। उन श्रीहरि का दर्शन करके उनके चरणों में माथा नवाकर राजा मरुत दोनों हाथ जोड़े खड़े थे, कुछ बोल नहीं सके। उनके शीर में रोमांच हो आया और वे प्रेम से विहल हो गए। इस तरह उन प्रेम पूरित नरेश को अपने चरणों में प्रणत हुआ देखकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, श्री भगवान जी ने कहा, राजन तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है। निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा की है। महामते, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा जो सर के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राजा मरुत ने भगवान जी का उपयुक्त वचन सुनकर हाथ जोड़कर परिक्रमा करके उन परमेश्वर हरि का परम भक्ति भाव से विशद उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा। मरुत बोले, श्री पुरुषोत्तम, आपके चरणारविंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नर पशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणारविंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। तथापि हे ब्रजेश्वर, आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणारविंद कदापि दूर ना जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। तो श्री भगवान जी बोले, राजन तुम्हारी निर्मल मति धन्य है। तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है। तथापि तुम मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। तो मर्द ने कहा, प्रभु यदि मुझे अभीष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्तवत्सल उसी पुर में श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें।
तो श्री भगवान बोले, राजन जब तक इस मन्वंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोगकर 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आकर अपने मनोरथ के समुद्र को गोवत्स की खुरी के समान बना लोगे, अर्थात उस समय तुम्हारा ये सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाएगा। तो श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर यूं कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे ही ये राजा मरुत उग्रसेन हैं। श्री हरि ने स्वयं उनसे रासु यज्ञ करवाया। मैथिलेश्वर त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए दुर्लभ है? निपुतम, जो मनुष्य मरुत के इस चरित्र को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है।